नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों? वो हमारे सबके फेवरेट है इसलिए। राहुल गांधी का, उन्होंने देश के लिए कुछ किया, राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं है। राहुल गांधी की वो थी हमें खाओ, खाने दो और खाओ आप भी। मोदी जी के ये नहीं है, मोदी बोलता नहीं मैं खाऊंगा नहीं तुम खाओगे, ये अच्छी चीज़ है। जिस हिसाब का माहौल है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है या हिंदूवाद है, उस हिसाब से मोदी ही के ज़्यादा चांसेस हैं। कांग्रेस का कहना राहुल गांधी युवा हैं, उन्हें एक बार मौका देना चाहिए, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा का रहेगा? भारत जोड़ो का पंजाब में देखा है, तो वहाँ पर तो धक्के मुक्के ही चल रहे हैं, कोई खास नहीं देखा वहाँ पर। तो आई थिंक अगर बाहर उनका चलता है कुछ तो ठीक है, मतलब अब युवा तो वो भी नहीं रहे वैसे। क्या नाम है सर? सऊद शेख नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़, यूपी। आजमगढ़ से आए हैं, ये बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? मोदी जी। मोदी जी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, काफी बेहतर है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी को बना करके आलू से सोना निकालना है तो बना दूं, है ना। पैदल जाने से, पैदल यात्रा करने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, इनके पास कोई विजन होना चाहिए, जो कि इन लोगों के पास विजन है नहीं है। ऑफ कोर्स मोदी जी आएंगे, और कौन है? मोदी जी क्यों बनना चाहिए? वो ब्रांड है, वर्ल्ड के आगे में वर्ल्ड के ब्रांड है, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और टोटली पप्पू हैं, उनके बारे में क्या बात करना। क्या नाम है सर? सऊद शेख नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़, यूपी। आजमगढ़ से आए हैं, ये बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? मोदी जी। मोदी जी क्यों बने? अच्छा काम कर रहे हैं, काफी बेहतर है। अच्छा ये बताइए, आप आजमगढ़ से आए हैं और सपा का गढ़ कहलाता है आजमगढ़, और वहाँ से इस बार अखिलेश यादव भी गठबंधन के साथ 24 में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या? कुछ नहीं होगा, सामने का दुश्मन अच्छा होता है, पीठ पीछे वाला दुश्मन अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बार बार पे कहा जा रहा है कि आप जैसे जो युवा हैं वो मोदी जी से नाराज हैं, या फिर मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी के मामले में तो ये लोग फ्लॉप हैं, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बाकी सुशासन बेहतर है। हाँ बेहतर है, काम अच्छा कर रहे हैं। अगर गेहूँ वहाँ से 30 किलो भेज रहे हैं तो 30 किलो पहुँच रहा है, जो भी मतलब हाँ भ्रष्टाचार कम है, ऊपर लेवल का नहीं है जैसा बाकी गवर्नमेंट में रहता है। हाँ, और बाकी यहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी है, केजरीवाल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए देखें तो कौन बेस्ट दावेदार? अभी तक तो मोदी जी ठीक हैं। हाँ, बाकी राहुल जी को तो ठंड ज़्यादा लग रही है वैसे भी। अब राहुल गांधी पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर, और वो ये कह रहे हैं बदला चुके हैं, रेनकोट पहन चुके हैं वो, अब धीरे धीरे जैकेट भी पहन लेंगे, ठंड बढ़ रही है। उनके नेता ये कह रहे हैं राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, किसी और फर्जी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें कांग्रेस में। नहीं तो कोई टक्कर में है ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बन जाएगी 24 में, बिल्कुल बनेगी। क्यों लग रहा है आपको कि फिर से एक बार मोदी जी बहुमत के साथ? काम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज चाह रहा है कि मोदी जी आए। राहुल गांधी युवा नेता हैं, क्या कहें? हर किसी का एक वक्त होता है, उनका 70 साल वक्त था, अब चेंज हुआ है तो बेहतर है, बदलाव तो होगा ना। क्या नाम है सर आपका? अमन। कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी। रोहिणी से आए, 24 में कौन प्रधानमंत्री बन? देखो ये बन जाए ठीक है। क्या लग रहा है किस तरीके के हालात के, कौन कैपेबल है देश संभालने के लिए? दिल्ली के हिसाब से तो मेरे हिसाब मोदी ही बनेंगे। क्यों मोदी जी बने? बनने नहीं चाहिए, बनेंगे। बने चाहिए तो पता नहीं कौन बनना चाहिए, किसका हक है किसका नहीं है, बट आई थिंक वो ही बनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब का माहौल है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है या हिंदूवाद है, उस हिसाब से मोदी ही के ज़्यादा चांसेस हैं। कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी युवा हैं, उन्हें एक बार मौका देना चाहिए, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा का रहेगा? भारत जोड़ो का पंजाब में देखा है, तो वहाँ पे तो धक्के मुक्के ही चल रहे हैं, कोई खास नहीं देखा वहाँ पे। तो आई थिंक अगर बाहर उनका चलता है कुछ तो ठीक है, मतलब अब युवा तो वो भी नहीं रहे वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों? वो हमारे सबके फेवरेट है इसलिए। राहुल गांधी का, उन्होंने देश के लिए कुछ किया, राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं है। राहुल गांधी की वो थी हमें खाने दो और खाओ आप भी, मोदी जी के ये नहीं है, मोदी बोलता नहीं मैं खाऊंगा नहीं तुम खाओगे, ये अच्छी चीज है। कांग्रेस कह रही है युवा नेता है, राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, मोदी अच्छा है, उनको इतनी समझ तो नहीं है ना, मोदी जी एज में भी है, उनको अच्छा पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो इसलिए मोदी जी। एक तो फर्स्ट क्लास का बच्चा और एक टीचर हो, फर्क होता है। मोदी जी टीचर के लेवल के हैं, फर्क होगा। वो तो बच्चा है। कह रहे हैं कि 24 में बदलाव करेंगे राहुल? नहीं नहीं, अभी तक नहीं किया था, आगे क्या करेंगे? सरकार ही थी पहले इंडिया में, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ था, जब से मोदी जी आए हैं तभी बदलाव हुआ, उसके अलावा नहीं। जी मैम,
आप जैसे कि घरेलू महिला हैं और घर चलाती हैं, राहुल गांधी ने कहा महंगाई बढ़ रही है और हमारी सरकार महंगाई तो इंदिरा के टाइम में भी थी, हमने जैसे सुना है कि इंदिरा के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, इमरजेंसी भी लगी हुई है। तो मोदी जी राहुल गांधी कह रहे हैं 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, मैं अभी इलेक्शन के लिए सब कुछ बोलेंगे, जितना सस्ता होना चाहिए वो भी बोलेंगे, बट होगा नहीं। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, नफरत ये है अगेंस्ट पार्टी में तो ऐसे बोलेंगे ही कि नफरत, वो उसके खिलाफ बोलेंगे, वो उसके खिलाफ बोलेंगे। क्या लग रहा है मैम 24 में तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी? वो तो अभी वही जाने, हम क्या बता सकते हैं इसमें प्रभाव पड़ेगा, या फिर जैसे क्या कहा जा रहा है कि मोदी जी को हटा देंगे, इस बार जीत जो है वो विपक्ष की? नहीं, मोदी जी की जीत, मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी की जीत होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है, पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं के लिए नसीहत दे दी है, तो इसी के साथ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं अब उसका भी समापन होने वाला है। और राहुल गांधी जो हैं वो पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ पर पहले तिरंगा फहराने की बात की जा रही थी, फिर बाद में कांग्रेस की तरफ से मना कर दिया गया है। पर जनता से बात करते हैं इन्हीं 2024 के चुनावों को लेकर बात कि आखिरकार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें और नारे लगाए जा रहे हैं कि 2024 में बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, इस तरीके की बातें जो हैं वो की जा रही है। सर कहा, क्या नाम है आपका? कौशल त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से, उत्तर प्रदेश से आए हैं। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों बने? अरे मोदी जी से अच्छा नेता कौन है, आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया आप देखिए, और विदेशों में जाते हैं, हमारे देश में आज इतना मान सम्मान है, हमारे देश का नेता अगर जाता है जिस समय मोदी जी जाते हैं तो अमेरिका जैसा राष्ट्रपति हमारे देश को प्रधानमंत्री को पीछे से के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने राहुल गांधी को बना करके आलू से सोना निकालना है तो बना दूँ, है ना। पैदल जाने से, पैदल यात्रा करने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, इनके पास कोई विज़न होना चाहिए, जो कि इन लोगों के पास विज़न है नहीं है। और आज देखिए 8 साल 10 साल के बीच में कितना देश आगे जा चुका है, तो आई थिंक मोदी और बीजेपी सही है। 2024 में विपक्ष जो है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्या लग रहा है कितना प्रभाव रहेगा? कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इनका कोई नेता ही नहीं है, एक लीडर होना चाहिए ना, लीडर ही नहीं है इनका, बाद में वही है कि बंदर बांट करेंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे जनसत्ता दल आई थी, आप देखो 5 साल में 10 प्रधानमंत्री हुए थे, वही सिस्टम होगा। एक फ्रंट का नेता तो होना चाहिए ना, थर्ड पार्टी का कोई नेता ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं। बाद में पिछली बार ही जैसा होगा, ममता बनर्जी अलग भागेगी और राहुल जी अलग भागेंगे, तो इनके पास, देश के पास प्रेजेंट टाइम में कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा। इन्होंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा, तो इसीलिए मोदी जी बनेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश थापा। कहाँ से आए? नेपाल से। नेपाल से आए, कैसा लग रहा है इंडिया घूमने में? अभी तो घूम रहा हूँ, ठीक बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है व्यवस्था? हाँ जी, सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, ये नेपाल से आए हैं, टूरिस्ट भी काफी ज्यादा है, कोई कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबा? अनुष्का। कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से आई हैं, मोदी जी के क्षेत्र से आई हैं, संसद है उनकी। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी ही को बनना चाहिए। मोदी जी को बनना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माली है। अच्छा सर ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में तो मोदी जी आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले वीडियो सामने आया था जिसमें भारतीय सेना ने जो चाइना के सैनिक हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे तो यही कहेंगे कि जो चाइनीज़ वाले जो बार बार अरुणाचल पे जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और हम जो अरुणाचली, हम पूरे दिलो जान से हम भारतीय हैं, और उनका जो भी हमारे ऊपर जो भी उनका जो बीच में जो प्रेशर डालते हैं, हमें अपना कहते हैं, उनका हम मुंहतोड़ से हमेशा जवाब देंगे। ये बताइए अरुणाचल प्रदेश की इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चाइना जो है वो अंदर घुस आया है, और आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं तो किस तरीके की व्यवस्था जो है वहाँ पर दी गई, उसके बारे में बताइए। राहुल गांधी जी ने जो कहा उनका तो मुझे पूरा तरह से कुछ आइडिया नहीं है, और चाइनीज़ का अंदर आने का भी अभी तक हमको ऐसा कुछ मतलब आइडिया नहीं है। मेरे जहाँ तक मेरा मतलब जानकारी है चाइनीज़ अब तक अरुणाचल के अंदर आ नहीं पाए हैं। ये कहा जा रहा है अभी तक आ नहीं पाए हैं और ना ही आ पाएंगे। क्या कहेंगे सर, वहाँ पर जो सेना जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है और सैनिकों को, चाइना को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे सैनिक वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो बॉर्डर पे हमेशा पहरेदारी कर रहे हैं बिल्कुल दिलो जान से। और राहुल गांधी कह रहे थे हमारे सैनिक पिट गए हैं वहाँ पे।
ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हमने कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ऐसा मैं अरुणाचल से हूँ, मैंने ऐसा सुना नहीं कि फिट गए। आप बताइए सर, आप बताइए। चलिए और लोग जो है वो बोलना नहीं चाहते। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजय सेन। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से, दिल्ली से। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? ऑफ कोर्स मोदी जी आएंगे, और कौन है? मोदी जी क्यों बन रहे? वो ब्रांड है, वर्ल्ड वर्ल्ड के, आज के डेट में वर्ल्ड के ब्रांड है, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और टोटली पप्पू हैं, उनके बारे में क्या बात करना है? पप्पू हैं वो। 100% चलिए सर, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे केजरीवाल? आम आदमी पार्टी अभी सपने देखती है, सपना ही देखती रहे। और क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं? मैं कश्मीर से आया। कश्मीर से आया सर, क्या लग रहा है 24 में कौन, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री? जिसने कर्म अच्छा किया होगा वही आएगा फिर से, और क्या? किसने कर्म अच्छा किया? जो भी यहाँ के लोगों को पता होगा ना किसने किया होगा। सर, कश्मीर की जनता भी प्रधानमंत्री के वोटों के लिए चुनाव, जब भारत का हिस्सा है तो क्या कहेंगे, किस तरीके से है? वो तो अलग मसला है, वहाँ कोई चुनाव मत हुआ अभी। नहीं सर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो देश का होता है ना। हाँ वो सही बात है ना, ठीक ही चल रहा है, और क्या। धारा 370 के बाद कितना बदलाव सर कश्मीर में? अभी तो हमारे तब पता चलेगा, जहाँ वहाँ कोई प्रधानमंत्री आएगा, कोई बनेगा ना। सर अभी तो केंद्र शासित राज्य है और वहाँ LG जो है वो सही चला रहे हैं। अभी कहाँ है, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ, वहाँ कोई इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। LG केंद्र शासित है ना। हाँ वो तो चला रहा है अपने तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे वहाँ के कोई चुनाव लड़ेगा तभी पता चलेगा ना वो आम जनता की क्या मांग डिमांड है, वो वही पूरा कर सकते हैं। केंद्र सरकार कितना जैसे कि वहाँ पे एम्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तमाम चीज़ें जो है वो की गई हैं, ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, टूरिज्म में बढ़ावा दिया जा रहा है। वो तो सही बात है, वो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है उससे, लेकिन जो आम जनता है वहाँ बेरोज़गारी है, वो अभी ठीक नहीं हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया 80,000 से ज़्यादा जॉब जो है वो कश्मीर में। अभी मत मिला किसी को, जब मिलेगा तब पता चलेगा ना सबको। और कोई बदलाव नहीं है अभी? कहाँ ऐसा कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? हमें उससे कोई लेन देन नहीं, हम उससे अलग है। आप अपने अपने अब हमारे बारे में पहले से ये कहा जाता ना कि पहले से अब ज़्यादा सुरक्षित है कश्मीर। वो तो ठीक ही हो गया, हालात अब तो सुधरने लगा है, वो बात सही। हालात जो है वो सुधरने लगे हैं कश्मीर में, काम नहीं हुआ वो अलग बात है, पर अलग अलग राय है। सर क्या नाम है आपका? शंकर। कहाँ से आए सर आप? मैं दिल्ली। दिल्ली से ही है सर। कौन 24 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन 24 में प्रधानमंत्री? हाँ मोदी जी बन सकते हैं अभी तो ये लग रहा है, अभी तो और कोई दूसरा जी क्यों बनने चाहिए? बनने चाहिए वाली बात नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन अभी है नहीं हमारे पास। राहुल गांधी की पार्टी कह रही राहुल गांधी सर सत्ता परिवर्तन, पहले राहुल गांधी नेता जी, पहले राहुल गांधी नेता बन जाए पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री बनी जाएंगे, वो कभी ना कभी तो बनी जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली से ही अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा होकर? हाँ भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी सक्सेसफुल दिख रही है मुझे अभी तक, काफ़ी लोगों तक मतलब यहाँ पे रीच रही है उनके, राहुल गांधी का अच्छा है, कम से कम लोगों के बीच में राहुल गांधी की इमेज बदले थोड़ी सी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि है वो थोड़ी बदली है, कुछ और लोगों से बात करते हैं।